हेलो फ्रेंड्स, एंटायर हाउस होल्ड में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बनाएंगे मिर्ची का रायता, या फिर हम ये कहें कि छांट रही की मिर्ची। ये राजस्थान के हर घर में करीब करीब बनती ही है। इसको बनाने के लिए हम दही लेंगे। दही ताज़ा है, नमक है, राई है और मिर्ची। ये मिर्ची तीखी कम होती है, इसलिए राजस्थान में वैसे जो मिर्चियाँ आती हैं वो कम ही तीखी आती है। राई है, राई को हमको पीसना पड़ेगा और मिर्ची को हमको उबालना पड़ेगा। दही को हम पहले फेंट लेंगे और फिर राई डालेंगे इसमें। राई को हम पीस लेते हैं। मैंने पहले से पीस के रख रखी है राई को। ये कुछ इस तरह से होती है और ये मिर्ची को मैंने पहले से उबाल के रख रखा है। अब हम दही को भिगो लेंगे, अच्छी तरह से इसे मैश कर लेंगे। दही एक सार हो जाना चाहिए। मुझे तो थोड़ा ये गाढ़ा ही पसंद है। अगर आपको दही पतला चाहिए तो आप इसमें पानी डाल सकते हो। ये हमने अच्छी तरह से भिगो लिया है इसे। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक स्वाद अनुसार है और ये पीसी हुई राई और ये हमने जो उबाल के रखा की हरी मिर्च, ये हम डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिला देंगे। मुझे थोड़ी राई इसमें कम लग रही है तो मैं इसमें राई और डालूंगी, क्योंकि राई और नमक का और मिर्ची का जो टेस्ट आता है दही में वो बहुत ही अच्छा आता है। आप इसे पराठे के साथ, रोटी के साथ किसी तरह से भी खा सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है। ये राजस्थान के हर घर में करीब करीब बनता ही बनता है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। और क्विक रेसिपी थी, इसलिए मैंने सब चीजों की तैयारी पहले ही कर रखी थी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो आप जरूर इसे अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।